सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के बाहर पीटीआई वकील उस्मान गुल का खावर मानिका पर हमला। पीटीआई वकील उस्मान गुल और खावर मानिका के दरमियान अदालत में तल्ख कलामी हुई थी। पीटीआई वकला की अदालत के अहाते में नारेबाजी, ये मनाजिर आप देख सकते हैं। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के बाहर पीटीआई वकील उस्मान गुल का खावर मानिका पर हमला। पीटीआई वकील उस्मान गुल और खावर मानिका के दरमियान अदालत में तल्ख कलामी हुई थी। पीटीआई वकला की अदालत के अहाते में नारेबाजी, जिसके बाद के मनाजिर आप तक पहुंचा रहे हैं। सेशन कोर्ट के ये मनाजिर हैं। इस्लामाबाद के बाहर पीटीआई वकील उस्मान गुल का खावर मानिका पर हमला हुआ। अवैस सबाजी हमारे साथ मौजूद है। अवैस, पहले अदालत के अंदर तल्ख कलामी हुई, जिसके बाद अब ये मारपीट तक बात पहुँच चुकी है, क्या अपडेट्स हैं, क्या वजूहत हैं? जी बिल्कुल, देखिए आज जो है इधर निकाह केस का फैसला सुनाया जाना था, तो हम सुबह जो है खबर मानिका के वकील रिजवान अब्बासी अदालत में पेश करेंगे, जिसके बाद जब शाहरुख अर्जुमन ने वक्फा किया उसके बाद उनको 10:30 बजे का टाइम दिया। तो हम 10:30 बजे जब पेश हुए, दोनों साइड के वकला पेश हुए, तो खबर मालिका ने जो है वो कहा कि मुझे बात करने की इजाजत दी जाए। इसके बाद खबर मालिका ने अदालत में काफी लंबी जोड़ी गुफ्तगु की, जिसमें उनका जो है मानी पीटीआई में मुदलते इल्जाम थे। इसके साथ उन्होंने मानी पीटीआई को हाथ उठा के बदवाएं भी दी। अदालत के अंदर आज पीटीआई का उसके साथ लीडरशिप भी बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी। ओपोजिशन लीडर बैरिस्टर गोहर भी मौजूद थे, उमर अयूब भी मौजूद थे, साथ अली मोहम्मद खान समेत लीगर से पीटी की आदत थी, खवातीन की बहुत बड़ी तादाद अदालत के अंदर मौजूद थी। कहा जो है केस आज केस का फैसला सुनाया जा रहा था, लेकिन खान मालिका ने काफी देर जो है वो बात की, जिसके बाद जो है खान मालिका ने कहा कि